जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 पर भारत ने आज बेहतरीन फाइटबैक किया और चौथे दिन पर भारत 164 रन 3 विकेट खोकर बना लिया, जहां पर किंग कोहली यानी कि विराट कोहली ने 44 रन का धमाकेदार इनिंग्स खेला और फाइटबैक का शुरुआत किया। उसके साथ अजिंक्य रहाणे ने भी 20 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आज ऑस्ट्रेलिया ने 270 रन 8 विकेट खोकर डिक्लेयर घोषित कर दिया है और 444 रन का विशाल बड़ा टारगेट भारत को मिला। और वहां पर कप्तान रोहित शर्मा ने बहुत बढ़िया शुरुआत दिया और 43 रन केवल 60 गेंदों पर बनाए। शुभमन गिल को एक रॉन्ग डिसीजन पर थर्ड एम्पायर ने आउट दे दिया और 8 रन बनाकर शुभमन गिल आउट हो गए। चेतेश्वर पुजारा 27 रन बनाए और उसके बाद शुरू हुआ विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप किया, जहां विराट कोहली 44 रन बनाकर नॉट आउट है और अजिंक्य रहाणे 20 रन बनाकर नॉट आउट है। तो भारत को अभी भी पांचवें दिन पर 280 रन चाहिए, 97 ओवर अभी भी है। तो भारत का जो रन रेट है और जो फाइट बैक भारत कर रहे हैं, तो पांचवें दिन उम्मीद करता हूं भारत एक अच्छी खेल प्रदर्शन करेगा। तो आपको क्या लगता है कौन इस मैच को जीतेगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बता सकते हैं।